हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पैरट्स के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंडिया में पाए जाने वाले सभी पैरट आप पाल नहीं सकते, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार आप किसी भी इंडियन प्रजाति के वाइल्ड एनिमल या बर्ड को घर में नहीं पाल सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखते रहिए। रोज रिंगनेक पैरट को इंडियन रिंगनेक पैरट के नाम से भी जाना जाता है। ये पैरट आपको पूरे इंडिया में हर जगह देखने को मिलेगा। ये इंडियन रिंगनेक पैरट उसके टॉकिंग एबिलिटी के लिए बहुत पॉपुलर है और इसी वजह से इसे बाकी देशों में भी पाला जाता है। ये पैरट वैसे बहुत होशियार भी होते हैं। इस मीडियम साइज के पैरट की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर तक होती है और ये पैरट का लाइफ स्पैन लगभग 25 से 30 साल तक का होता है। अलेक्जेंड्राइन पैराकिट। ये पैरट दिखने में इंडियन रिंगनेक पैरट की तरह ही होता है, लेकिन इस पैरट का साइज इंडियन रिंगनेक पैरट से काफी बड़ा होता है। अलेक्जेंड्राइन पैरट की लंबाई लगभग 56 से 62 सेंटीमीटर तक होती है। यह पैरट ईस्ट इंडिया से लेके हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका में पाया जाता है। इस अलेक्जेंड्राइन पैरट में बातें करने की एबिलिटी होती है। यह पैरट बहुत अच्छी तरह हर आवाज की नकल कर सकता है। अलेक्जेंड्राइन पैरट का लाइफ स्पैन लगभग 40 साल का होता है। ब्लू विंग्ड पैराकिट को मलबार पैराकिट भी कहा जाता है। ये पैरट भी इंडियन रिंगनेक पैरट जैसा ही दिखता है, लेकिन इस पैरट का कलर इंडियन रिंगनेक पैरट से काफी अलग होता है। ये पैरट इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में जैसे कि तमिलनाडु, गोवा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 38 सेंटीमीटर की होती है। मलबार पैरट में भी बातें करने की एबिलिटी होती है। मलबार पैरट का लाइफ स्पैन लगभग 15 से 25 साल तक का होता है। प्लम हेडेड पैराकिट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में पाया जाता है और ये पैरट खासकर इंडिया के हर जगह में पाया जाता है। ये पैरट शांत स्वभाव का होता है। इस पैरट में भी बातें करने की एबिलिटी होती है और यह पैरट बहुत अच्छी तरह बातें कर सकता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है और यह पैरट का लाइफ स्पैन 15 से 30 साल तक का होता है। फ्लटी हेडेड पैराकिट दिखने में प्लम हेडेड पैराकिट के तरह ही होता है, लेकिन इस पैरट का साइज प्लम हेडेड पैरट से बड़ा होता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर तक होती है। फ्लटी हेडेड पैराकिट इंडिया के वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। ये पैरट का लाइफ स्पैन लगभग 15 से 20 साल का होता है। रेड ब्रेस्टेड पैराकिट इंडिया के हिमालय रीजन में पाया जाता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 33 से 37 सेंटीमीटर तक होती है। ये पैरट थोड़े बहुत वर्ड्स बोल सकता है और ये रेड ब्रेस्टेड पैराकिट लगभग 25 साल तक जी सकता है, लेकिन ये पैरट विलुप्त होने की कगार पर है। ग्रे हेडेड पैराकिट। ये पैरट ओवरऑल प्लम हेडेड पैरट की तरह ही दिखता है, लेकिन इस पैरट के हेड का कलर ग्रे होता है। ये पैरट ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 36 से 40 सेंटीमीटर तक होती है और ये पैरट 20 से 30 साल तक जी सकता है। लॉर्ड डर्बीज पैराकिट को डर्बियन पैराकिट भी कहा जाता है। यह पैरट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और आसाम स्टेट्स में पाया जाता है। इन पैरट में मेल पैरट के बीक का कलर रेड और फीमेल पैरट के बीक का कलर ब्लैक होता है। लॉर्ड डर्बीज पैराकिट की लंबाई लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और इस पैरट का लाइफ स्पैन लगभग 30 साल का होता है। निकोबार पैराकिट को ब्लिट्स पैराकिट भी कहा जाता है। इस पैरट का साइज बाकी इंडियन पैरट से काफी बड़ा होता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 56 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है और ये पैरट लगभग 15 साल तक जी सकता है। ब्लॉसम हेडेड पैराकिट भी दिखने को प्लम हेडेड पैराकिट की तरह ही होता है, लेकिन इस पैरट के हेड का कलर प्लम हेडेड पैराकिट के हेड से अलग होता है। ये पैरट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है और यह पैरट लगभग 20 साल तक जी सकता है। लॉन्ग टेल्ड पैराकिट इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड पर पाया जाता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 40 से 48 सेंटीमीटर तक होती है और यह पैरट अंदाजन 12 से 20 साल तक जी सकता है। वर्नल हैंगिंग पैरट साइज में बाकी इंडियन पैरट से काफी छोटा होता है। इस पैरट की लंबाई लगभग 13 से 14 सेंटीमीटर की होती है। ये पैरट
इंडिया के हर जगह में पाया जाता है और इस पैरट का अंदाजन लाइफ स्पैन लगभग 10 साल का होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।